तो सबसे पहले तो आप अपना लाइफ स्टाइल चूज कर लीजिए, आप पॉलिसी मत लीजिए। मैंने आपको पॉलिसी लेने को नहीं बोला। इस तरह के सवाल, इस तरह के ऑब्जेक्शन हमको तब आते हैं जब भी हमें हम बीच में हमारा पॉलिसी का एक बात हो जाता है ना। मिनट एक मिनट, ये अगर हम हमें ऐसे प्रेजेंट ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं? हाँ बताइए। सर, अगर हम किसी को बुक प्रेजेंटेशन लेके जा रहे हैं ना, तो अभी हमारा जो फेस वैल्यू वहां बना हुआ है एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, अब वो हाँ हम उसके पास अगर जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली यही समझेगा यार पॉलिसी करने ही तो आया है और करने क्या है। और मैटर रहा बढ़िया, लाइफ स्टाइल चेंज करने का, तो अभी जिसके पास 40-50 लाख रुपए आ रहा है, मैं उसका क्या लाइफ स्टाइल चेंज करूंगा अभी? बढ़िया। हमें लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना है, हमें हाँ उसको क्या बोलना है कि सर आप अपने जाने के बाद फैमिली को किस हालत में छोड़ के जाना चाहते हो? आप चाहते हो कि राजा महाराजाओं जैसे, फॉर एग्जांपल आपने बताया 30-40 लाख रुपए महीने की इनकम आती है, तो क्या हाँ हम इसको ये समझ लें कि वो बिल्कुल, सबसे पहले तो ना आप उनको बोलिए सर आप यहाँ पे ना उंगली रख के बताइए हाँ आप अपने परिवार को अपने बाद में किस तरह की जिंदगी देके जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप उंगली रख के बनवा लीजिए। अब मान लीजिए आपको 30-40 लाख रुपए की इनकम आ रही है महीने की, बढ़िया, यही आदमी आपको सबसे बड़ा प्रीमियम देने वाला है। आपको क्या बोलना है सर राजा महाराजाओं वाली जो आपकी जिंदगी जो है आप छोड़ के जाना चाहते हो ना फैमिली के लिए, तो सर उसके लिए आपको 100 करोड़ रुपए छोड़ के जाना पड़ेगा। अब 100 करोड़ रुपए आज की डेट में, कल यदि रात को भगवान न करे यदि आप सुबह नहीं उठे होते, तो क्या परिवार को आप 100 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहे जब मैंने सर सुबह सुबह जब मैंने उससे बात करी थी ना, हाँ उसकी उसकी वाइफ मुझे खड़ी भी घूर रही थी सामने, कह रही यार सुबह क्या सुबह मरने की बात कर रहे हो यार, छोड़ के मरने चले की बात जाओ नहीं ये सब। करनी है राजेंद्र जी, हाँ मरने की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ अरे छोड़ के लाइफस्टाइल चले की जाओ बात तो मर रहे करनी हो ना सर, एक मिनट छोड़ के है, चले ऐसा जा। नहीं। मुझे कम से कम 1 घंटा लगा था इस टॉपिक को क्लियर करने में उसके साथ। बढ़िया, उसने छूटते तो ही बोला यार आप छोड़ के चले जाओगे, सुबह रात को सो गए सुबह आंख ना खुली, तो क्या कहना चाह रहे हो? सुबह सुबह अच्छी अच्छी बात करो यार, क्या एक मीटिंग रख लो इन वाले क्लाइंट के साथ, आप मेरी मीटिंग रख लो, मिल रख के लूंगा चलते घर के हैं। बाजू, दिक्कत नहीं है। हाँ चलो चलते हैं, अभी उनकी चलो बेटी की चलते शादी है वो, हाँ अभी हैं। उनकी बेटी की शादी है, उसके बाद का रखता हूँ मीटिंग इनके साथ। और अपॉइंटमेंट जो हम इनसे लेंगे वो एक ही टॉपिक हाँ होएगा सर, एक ये लाइफस्टाइल का प्रेजेंटेशन है आपको दिखाना है बस, हाँ पॉलिसी का कोई बात नहीं, एलआईसी का कोई बात नहीं। हाँ हम आ हाँ रहे हैं एलआईसी से, वो बात ठीक है, हम एलआईसी से आ रहे हैं हाँ वो बात ठीक है, लेकिन हम हाँ लाइफस्टाइल, जिंदगी को बढ़िया तरीके से कैसे जीना चाहिए, जिंदगी को शानदार अमीर तरीके से कैसे जीना चाहिए, और ज्यादा सुख सुविधाएं जिंदगी में हम कैसे जुटाएं, उसके बारे में सर हम लोग बात करेंगे बस। हाँ सही बात है। क्या होता है, क्या होता है कि हमें, क्योंकि हमें इतना, हमें आदत पड़ी हुई है, सैकड़ों हजारों बार ढेर सारे लोगों को हम पॉलिसी बेच चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली ना हम लोग क्या करते हैं, हम उसी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं कि चलो पॉलिसी बेचो, पॉलिसी बेचो, पॉलिसी बेचो, है ना, ये सब हमारा नेचुरल है। लेकिन हमें करना क्या है, यदि हम थोड़ा सा फोकस लाइफस्टाइल पर रखें, अब फॉर एग्जांपल चलो इसको तो हम जब चलेंगे तब चलेंगे, फिलहाल मरने की बात जो है बहुत ही नाजुक बात है, हम किसी को भी मरने की बात की शुरुआत करें ना तो हमें क्या बोलना है, भगवान करे आप 100 साल जिए, मैं भी 100 साल जीऊँ, सभी लोग 100-100 साल जिए, हमेशा हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो ये जो हमें जो दूसरा ऑब्जेक्शन आपने बताया ना कि सवेरे सवेरे मरने की बात करें, ये तब आता है जब हम शुरू में उसका क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, भगवान करें आप 100 साल दिए, तो हमने ये सब बोल दिया ना, लेकिन जिंदगी में डेथ तो कभी भी किसी की भी हो सकती है, ये हमें एंड में बोलना है। यदि हमने, हमें मरने की बात से शुरुआत नहीं करनी है, शुरुआत हमें जीने की बात से करनी है, सर आप 100 साल जियो, 100 साल जियोगे रिन्यूअल प्रीमियम भरते रहोगे, मैं भी चाहता हूँ आप 100 साल जियो, 100 साल जियोगे आप और 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50 एक्स्ट्रा पॉलिसियां कराओगे, मैं भी चाहता हूँ वो सारी बातें, लेकिन हमें ये सब करने के बाद, उसके बाद पूछना है सर लेकिन जिंदगी में अमर तो आज तक कोई भी नहीं है ना, भगवान राम भी चले गए, भगवान कृष्ण भी चले गए, इंदिरा गांधी भी चली गई, जितने भी विवेकानंद भी चले गए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग आए थे चले गए, मैं और आप भी दुनिया में जो आया है उसको जाना ही है, सबसे पहले जिंदगी की बात करिए, उसके बाद मरने की बात करिए, भगवान ना करे यदि कल रात को सोने के बाद आज यदि आप नहीं उठे होते तो क्या परिवार को आप कितना रुपया छोड़ के जाने वाले थे, कैसा लाइफ स्टाइल छोड़ के जाने वाले थे, क्या आप उनको राजा महाराजाओं वाली जिंदगी देकर जाने वाले थे, आरामदायक जिंदगी देकर जाने वाले थे, या तो जरूरतमंद जिंदगी या साधारण जिंदगी, या तो अब बिल्डर है तो उसको नीचे के दो की तो बात ही मत करो वरना उसको बुरा लग जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल मान लेता हूं कि भाई आप राजभोग वाली जिंदगी देके जाने वाले थे, क्यों राजेंद्र जी ये बात ठीक है? सर दे के जाने वाला नहीं था, ऑलरेडी ऑलरेडी राजभोग वाली जिंदगी चल रही है। वेरी गुड, ऑलरेडी चल रही है और आपके बाद भी ऐसी ही चलने लगेगी, ये बात ठीक है ना, कि जब तक आप हो तब भी राजाओं महाराजाओं वाली जिंदगी आप जी रहे हो, बाद में भी चलेगी इस, बिल्कुल बढ़िया चलेगी। राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जीने के लिए हमारे पास तकरीबन 100 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो 100 करोड़ रुपए का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास 100 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए,
आप 100 करोड़ की प्रॉपर्टी रखो, आप 100 करोड़ की एफडी रखो, आप 100 करोड़ के शेयर्स खरीदो, आप 100 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में रखो, आप 100 करोड़ रुपए जहां मर्जी रखो, कैश रखो ना 100 करोड़ रुपए, आप बैंक अकाउंट के अंदर 100 करोड़ रुपए रखो, लेकिन आप जहां भी जितना भी रुपया रखोगे वहां पर आपको 100 करोड़ रुपए की एफडी के लिए 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ के लिए म्यूचुअल फंड के लिए 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ के शेयर्स के लिए 100 करोड़ चाहिए। दुनिया के अंदर अकेली एक ही चीज है जिसमें 100 करोड़ रुपए छोड़ने के लिए आपको 100 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। आप यदि सिर्फ 1% मेरे को दे देंगे, 1% 100 करोड़ का 1% मुझे दे देंगे तो मैं इसको 100 गुना करके दे दूंगा, 99% मैं मिलाऊंगा। आप फैमिली को चाहते हो 100 करोड़ रुपए छोड़ के जाऊं, आपको मेरे को सिर्फ 1% देना है, बाकी 99% मैं मिलाऊंगा। ये सच बात है कि नहीं है? सही बात है। आप यदि 100 करोड़ छोड़ना चाहते हो तो वैसे म्यूचुअल फंड में भी 100 करोड़ रखना पड़ेगा तब छोड़ पाओगे, एफडी में 100 करोड़ रखना पड़ेगा तब छोड़ पाओगे, शेयर्स में 100 करोड़ रखना पड़ेगा तब छोड़ पाओगे, प्रॉपर्टी में 100 करोड़ रखना पड़ेगा तब छोड़ पाओगे। LIC पॉलिसी वर्ल्ड के अंदर एक अकेली चीज है जिसमें यदि 100 करोड़ छोड़ना चाहते हो तो सिर्फ 1% आप मुझे दे दो, आपको 100 करोड़ रुपए देंगे हम आपकी फैमिली को। करेक्ट या नहीं? सही बात है। इस तरीके से हम आपके जो बिल्डर हैं उसको बातचीत करें, क्या वो 100 करोड़ की पॉलिसी के लिए तैयार होगा या नहीं होगा? मुश्किल लग रहा है मेरे को, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, हमारा काम है कोशिश करना, मिल गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हाँ, वो तो खैर हमारा कौन सा एग्रीमेंट है कि 100% सभी का पॉलिसी करना है, बिल्कुल सही बात है, बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये नहीं तो कोई और सही, वो नहीं और कोई सही। सो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करें। और किसी साथी का इसके बारे में कोई सवाल है, कुछ है नहीं है, कुछ आप पूछना चाहते हैं? मनीष जी ने कई सारे प्रेजेंटेशन इस टाइप के दिए हैं, राजेंद्र जी ने अच्छा किया इसके बारे में पूछ लिया, बहुत बढ़िया। कम से कम आपको राजेंद्र जी ये वाला पॉइंट जो है कुछ क्लैरिटी हुआ? हाँ, कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कुछ क्लैरिटी हुआ। तो और कोई साथी इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं, नहीं पूछना चाहते हैं? और कोई साथी नहीं? ये वाला हमें दिखाने के बाद में जब हम ये दिखा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमें इसके बाद ना इसको बताना भी है कि चलो लाइफस्टाइल चूज कर लिया। अभी चलो आपने एक लाइफस्टाइल चूज कर लिया, आप एक लाइफस्टाइल चूज करके बताओ कौन सा आपने चूज किया, कौन सा वाला किया बताओ, इनमें से कोई एक चूज करके बताओ, उंगली करके बताओ, हाँ ठीक है मैंने ये वाला लाइफस्टाइल चूज कर लिया। कौन सा चूज करेंगे आप में से कोई एक बताइए ना, क्या हो गया? जरूरतमंद तीसरा वाला, आपने जरूरतमंद वाला। तो जरूरतमंद के लिए यहाँ पर लिखा है कि आपको जरूरतमंद वाला जो लाइफस्टाइल है उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए जो है उसका पॉलिसी आज आपको लेना पड़ेगा। तो 1 करोड़ रुपए पॉलिसी आप लेने के लिए तैयार हैं, 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी है यहाँ पर लिखा है, 1 करोड़ का यदि सम एश्योर्ड आप लेते हैं, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेने के लिए एग्जाम्पल दे रखा है 30 साल की उम्र में। आपकी एक्चुअल एज पर जो भी प्रीमियम आएगा वो डिफरेंट होगा, मामूली थोड़ा सा फर्क होगा, 30 साल की उम्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 करोड़ रुपए यदि आपने लिया, मान लो 25 साल का लिया एग्जाम्पल, जरूरतमंद वाली जीवन शैली यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपके पास 3 तरह की ऑप्शन है। एक्चुअली क्या है ये दिखाने का, क्योंकि हम जूम पे दिखा रहे हैं ना तो हमें ये सारा का सारा इसमें पूरा है, इसको दिखाने का सही तरीका क्या है कि यहाँ पर हम एक पेपर रखें, सर उसका जो कॉस्ट आता है यदि हम टर्म पॉलिसी लेंगे तो 24,000 रुपए सालाना का कॉस्ट आएगा, 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी लेंगे 24,000 का कॉस्ट आएगा, यदि हम एंडोमेंट पॉलिसी लेंगे साल का 3,80,000 लगेगा, जीवन आनंद लेंगे साल का 4,30,000 लेगा। चांसेस ऑफ लैक्सेशन पॉलिसी का बीच में खत्म होने की संभावना जो होती है टर्म प्लान की हाईएस्ट होती है, टर्म प्लान जो है बहुत ज्यादा टर्म प्लान ले आते हैं आदमी। सर कौन सी कैटेगरी, एक मिनट, ये कौन से कैटेगरी के लोगों को दिखाना है ये वाला जो है, सिर्फ यही वाला पॉलिसी? अभी सभी को दिखाना है, लेकिन डायरेक्टली जाके तुरंत आप इसके बारे में बात करेंगे आदमी नहीं सुनेगा। जो मनीष जी मेरे को भी आया, अभी मैं किसी की पॉलिसी करने गया, मैंने बुक उसके सामने रख दी, मैंने उसको बताया अभी, मैंने कहा थोड़ा सा इतने चाय पीते हैं थोड़ा सा इसमें आप नजर डाल लीजिए जरा एक बार। नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मैं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यदि आप नजर डालने बोलोगे तो नहीं चलेगा, यदि आप बोलोगे जितनी देर चाय पीते हैं उतनी देर देखते हैं तो नहीं चलेगा। आपको क्लियरली बताना, क्लियरली क्या बताना है, सर ये जो है लाइफस्टाइल का प्रेजेंटेशन है, बहन जी भाई साहब मैडम जो भी है जिसको भी आप जैसे भी उसको एड्रेस करना चाहते हैं आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। इसको दिखाने में 20 से 25 मिनट लगता है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जो मनीष जी को प्रॉब्लम आई उन्होंने क्या किया, समझाना शुरू किया, 3-4 मिनट के बाद उसने बोला भाई साहब जल्दी बता दो जो भी है मेरे को ना जाना है। अब उसके पास टाइम नहीं है, हम जबरदस्ती उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हमें सबसे पहले उसको टाइम का क्लियर करना पड़ेगा, सर ये प्रेजेंटेशन दिखाने में 20 से 25 मिनट लगता है। अभी क्या है वो आदमी पूरा पॉलिसी बनाने का मन बना के बैठा है, आप पॉलिसी देने की बजाय उसको लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, वो कहता है यार तो मना कर देगा।
सही बात है। मैं लेना चाहता था पॉलिसी, ये दिखा रहे हैं लाइफस्टाइल, ये भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये मुझे ना पॉलिसी नहीं दे रहे, कुछ और दे। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा भाई साहब, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। अच्छा जो आदमी पॉलिसी के लिए तैयार है उसको बोलो साहब भाई साहब पैसे तो फटाफट क्लोज करो खत्म, पॉलिसी करने के बाद दिखा सकते हैं बुक्स ये वाली इसको, पॉलिसी क्योंकि मैंने पॉलिसी करने के बाद भी दिखाया तो उसको अच्छा सा लगा। चलो आप पॉलिसी करने के बाद मैंने बुक दिखाई एक दो लोगों को तो उसे अच्छा लगा काफी। हाँ कह रहा यार ये सब चीजें तो ठीक है, अच्छी बातें होनी भी चाहिए। बढ़िया, तो ये एक तरीका है बड़ी बड़ी पॉलिसियां बेचने का, और इस तरीके से आपकी बड़ी पॉलिसियां बेचने में आपको मदद मिलती है। लेकिन टाइम का हमको थोड़ा सा पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा कि सर देखो ये जो प्रेजेंटेशन है 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो 25 मिनट का समय मैं आपसे चाहूंगा, क्या मैं आपको दिखा दूं? आप दिखाने के लिए पहले परमिशन ले लो, क्योंकि परमिशन के बिना आप दिखाओगे नहीं जी मैं तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, तो परमिशन के बिना दिखाओगे ना तो थोड़ी देर बाद वो बोलेगा नहीं भाई साहब इसको बाद में करना, अब मैं ना जल्दी में, या तो कल आना या तो परसों आना, ये सब चक्कर चल जाएंगे। तो पहले आप परमिशन लो, सर इसको दिखाने में 25 मिनट का समय लगता है, 25 उसने हाँ बोल दिया ना इसका मतलब वो 25 मिनट का कहीं नहीं जा रहा। इसी वजह से कई बार क्या होता है पहले अपॉइंटमेंट लो, अच्छा सर मैं कल आऊंगी परसों आऊँ, तो अपॉइंटमेंट ले लिया उसको पक्का पता है ये जो भाई साहब आ रहे हैं 25 मिनट के लिए आ रहे हैं, मुझे 25 मिनट को देने ही देने। अब 25 के आप 30 कर लोगे 35 करोगे वो सब लोग माइंड नहीं करते, लेकिन आपने दिखाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उसको पता लगा यार ये तो बहुत लंबी चीज है, फिर वो लोग नहीं मानते। सो आगे चलें, यहाँ पर इसमें लिखा है टर्म प्लान आपको यदि 1 करोड़ का लेना है तो उसके लैप्सेशन की संभावना बहुत ज्यादा है, आपको यदि एंडोमेंट लेना है तो उसकी संभावना लैप्सेशन की बहुत कम है, यदि आप जीवन आनंद ले लेते हैं तो लैप्सेशन की संभावना ना के बराबर है, वेरी वेरी लो, बहुत कम। टोटल कॉस्ट इन 25 ईयर, 25 साल का आपने करोड़ रुपए का प्लान लिया, 6 लाख रुपए लगता है टर्म प्लान के अंदर, यहाँ पर आपका एंडोमेंट के अंदर 95 लाख रुपए लगता है, यदि आप जीवन आनंद भरते हैं तो 1 करोड़ 7 लाख रुपए लगता है। 25 साल के बाद क्या होगा, मिलेगा क्या? 25 साल के बाद जब आपका मेच्योरिटी होगा, टर्म प्लान का मेच्योरिटी आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, बाबा जी का टुल्लू मिलेगा। एंडोमेंट प्लान के अंदर आपको 2 करोड़ रुपए मिलेगा, आपने 1 करोड़ का लिया था 2 करोड़ मिलेगा, जीवन आनंद के अंदर आपको 2 करोड़ मिलेगा। यदि आपकी हेल्थ, उसके बाद क्या होगा, हेल्थ, आपकी हेल्थ टर्म प्लान के अंदर आप कहते हो यार 25 साल के बाद मैं तो जिंदा हूं, तो आप 25 साल के बाद जिंदा हूं तो भाई दोबारा इंश्योरेंस लोगे कि नहीं लोगे? हेलो, 25 साल के बाद आपका टर्म प्लान 25 साल चल गया तो क्या आप दोबारा इंश्योरेंस लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे लेंगे, बढ़िया। तो हेल्थ आपकी 25 साल के अंदर क्या रहेगी, टर्म प्लान के अंदर दोबारा जब इंश्योरेंस लेने जाएंगे आपकी हेल्थ कैसी होगी, कुछ नहीं पता। हेल्थ ठीक ठाक नहीं होगी तो हो सकता है टर्म प्लान ना मिले। आप एंडोमेंट पॉलिसी दोबारा से 25 साल के बाद लेने जाएंगे, आपको एंडोमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। जीवन आनंद आप 25 साल पूरे करने के बाद दोबारा से जीवन आनंद लेने जाएंगे, उसको जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि 25 साल के बाद ऑलरेडी आपका 1 करोड़ का समझौड़ जिंदगी भर चलने वाला है बिना कोई प्रीमियम जमा कराए। कॉस्ट पर ईयर पूरे 55 ईयर ओल्ड, आपने पॉलिसी जब शुरुआत करी थी 30 साल की उम्र में करी थी, 25 साल का प्लान लिया था, 55 हो गया, 55 की उम्र में जाके आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए ईयरली पड़ने वाला है, जो आपका 30 की उम्र में आपका 24,000 का साल का प्रीमियम था, यहाँ पर आपका 55 की उम्र में दोबारा से टर्म प्लान लेंगे 1 लाख रुपए का प्रीमियम साल का बनेगा, और एंडोमेंट का प्रीमियम बनेगा 4,64,000, जीवन आनंद का आपका जो प्रीमियम है 55 की उम्र के अंदर है जीरो। जीरो क्यों है? क्योंकि लेने की जरूरत ही नहीं है, जिंदगी भर का 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चलने वाला है। कैश वैल्यू एट एज 60-80, 55 की उम्र में आपने 25 साल का दोबारा से टर्म प्लान ले लिया, 25 साल के बाद मेच्योरिटी क्या मिलेगी? जीरो। आपने एंडोमेंट ले लिया, कब लिया? 55 की उम्र में। कितने साल का लिया? 25 साल का। 25 साल का लेने के बाद एंडोमेंट के अंदर आपकी 1.25 करोड़ रुपए इसके अंदर आपको मिलने वाली है। क्या? कैश वैल्यू। कैश वैल्यू मतलब मेच्योरिटी मिलने वाली है। जीवन आनंद के अंदर आपको 25 साल के बाद क्या मिलने वाली है कैश वैल्यू? 1 करोड़ रुपए। आप सरेंडर करना चाहो, भगवान ना करे डेथ हो जाए, 1 करोड़ रुपए फैमिली को मिलने ही वाला है। ये सुनो, इंश्योरेबल एट 80, 80 साल में दोबारा से इंश्योरेंस कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराना चाहिए। 80 साल के अंदर आप टर्म प्लान कराएंगे? मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं अवेलेबल। एंडोमेंट पॉलिसी 80 साल की उम्र में कराएंगे? है ही नहीं अवेलेबल, कहाँ से कराएंगे? जीवन आनंद 80 साल की उम्र में कराने की जरूरत ही नहीं। आपका 100 साल तक का जीवन आनंद का 1 करोड़ का समझौत ऑलरेडी चल रहा है। वैल्यू अंटिल 100, आप 100 साल तक जी गए। लंबा जीना भी आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। 100 साल तक इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। टर्म प्लान की वैल्यू है जीरो, एंडोमेंट की वैल्यू है जीरो 100 साल तक, लेकिन जीवन आनंद की जो वैल्यू है 1 करोड़ रुपए चलती रहेगी। इफ प्राइस वॉज नॉट एन इशू, विच पॉलिसी वुड यू प्रेफर?
यदि आपको प्रीमियम भरने की प्रॉब्लम नहीं होती तो आप तीनों में से कौन सा प्लान लेते? आप टर्म प्लान लेते या एंडोमेंट लेते या जीवन आनंद लेते? जीवन आनंद ही लेते सर। जीवन आनंद लेते, बहुत बढ़िया मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सर एक निश्चित टाइम के बाद मैच्योरिटी भी मिल जाती है और उसके बाद लाइफ टाइम तक पूरा कवर रहता, पूरा होल लाइफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ प्राइस वाज नॉट एन इशू, यदि पैसे की प्रीमियम की कोई समस्या नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कौन सा वाला प्लान आप नहीं लेते? इन तीनों में से कौन सा वाला प्लान आप नहीं लेते? पैसे की समस्या नहीं होती, यदि आपको पैसे की समस्या नहीं होती, मान लीजिए पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कौन सा वाला प्लान आप नहीं लेते इन तीनों में से? नहीं लेते क्या सर? पैसे की समस्या नहीं तो मैं दोनों लेता, जीवन आनंद लेता, टर्म इंश्योरेंस दोनों लेता सर। ठीक है, बढ़िया। जीवन आनंद के अंदर ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस शामिल है, आपका मैच्योरिटी के बाद ऑटोमेटिकली टर्म इंश्योरेंस ही चलता रहता है उसके अंदर, तो ऐसा क्यों आप जीवन आनंद लेते हैं, ऐसा क्यों, कोई वजह है उसकी? जीवन आनंद का सबसे बढ़िया यही है सर कि मैच्योरिटी, एक तो लाइफ कवर है जी, बढ़िया, और साथ साथ हमें जो पैसा हम दे रहे हैं, हमारा कोई पैसा वेस्टेज नहीं है, वो इकट्ठा हो रहा है, एक निश्चित टाइम पे हमें पैसा मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैच्योरिटी के बाद जो होल लाइफ रिस्क कवर चलेगा, ये और भी अच्छी बात है, उतने ही समय मैच्योर का होल लाइफ हमारा रिस्क कवर चलता रहेगा, एक हिसाब से बहुत बेहतरीन प्लान है, हम इसी को चूज करते सर। बढ़िया बढ़िया। परिवार की सुरक्षा के लिए आज ही निर्णय करें, आज ही आप डिसीजन करें, परिवार की सुरक्षा के लिए सिर्फ टर्म प्लान पर निर्भर ना करें। जीवन आनंद और टर्म इंश्योरेंस का मिश्रण एक बेहतरीन योजना है। यदि आप जीवन आनंद और साथ में टर्म लेंगे, या तो आप 1 करोड़ का जीवन आनंद ले लीजिए, साथ में टर्म मत लीजिए। 1 करोड़ का यदि आपने जीवन आनंद लिया तो टोटल उसमें फायदा होगा आपको 3 करोड़ रुपए का, साल का प्रीमियम लगेगा 4,30,000 रुपए का, प्रीमियम आपका हर महीने आएगा 36,000 रुपए। तो क्या आपको 36,000 महीना चलेगा? 36,000 रुपया भर सकते हैं? भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं? दोबारा बोलूं, 1 करोड़ रुपए का जीवन आनंद आप लेंगे, टर्म राइडर बिल्कुल भी 1 करोड़ रुपए का नहीं लेंगे, टोटल रिस्क कवर आपका 1 करोड़ रुपए का होगा, टोटल फायदा इसके अंदर आपको 3 करोड़ रुपए का मिलेगा, साल का प्रीमियम आपका लगेगा 4,30,000 रुपए, आपका जो प्रीमियम जो उसका आएगा महीने का 36,000 रुपए, हर महीने आपके अकाउंट से 36,000 रुपए जमा होते रहेंगे। तो क्या 36,000 रुपए महीने का आपको प्रीमियम चलेगा? क्या नहीं, किसी को भी क्लियर नहीं हुआ 36,000 का प्रीमियम? क्या बात है, भरना चाह रहे हैं नहीं भरना चाह रहे हैं, क्या हुआ? आप में से कोई भी देखो, आप बताएंगे तो मुझे पता लगेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा? सर उस लेवल का कस्टमर भी तो होना चाहिए। किस लेवल का? जो 36,000 पता चला 40,000 का हमारे पास क्यों नहीं है, और अगर क्या उसमें आजू बाजू में हमारे पास इस तरीके के लोग घूमते नहीं है क्या? तो बोर हो जाएगा। कौन बोर हो जाएगा? जिसको 40,000 रुपए कमा रहा है और उसको बोले 36,000 रुपए भर सकते हो क्या? करेक्ट। तो उसके लिए आपको 36,000 की बात नहीं करनी है, उसको आपको क्या करना है, 1 करोड़ वाला नहीं दिखाना है उसको, आपको दिखाना है 1 करोड़ से बड़ा। 1 करोड़ से बड़ा कौन सा होता है? ये 10 करोड़ वाला है, उसको आपको 10 करोड़ वाला दिखाना है। यहाँ पर इसमें 10 करोड़ वाला लिखा है, जीवन आनंद 10 करोड़। आप मत दिखाओ ना ऐसे आदमी को, आप 3,60,000 रुपए मंथली प्रीमियम दिखाओ, आपका जो उसको समझ में आता है उस तरीके का प्रीमियम दिखाओ, आप 3,60,000 रुपए मंथली दिखाओ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर किसी का 40,000 रुपए मंथली इनकम है और उसको कहे 36,000 रुपए चलेगा क्या? मैंने चेंज कर दिया मनीष जी, वो वाला जो सवाल था वो इस वजह से था क्योंकि मेरे को राजेंद्र जी ने बोला था मुझे 1 करोड़ का लेना है। आप याद करिए राजेंद्र जी ने क्या बोला था कि मुझे 1 करोड़ का लेना है, तो राजेंद्र जी ने 1 करोड़ बोला था, इस वजह से मैंने कहा 36,000 मंथली भरो। अब चूंकि आप मुझे बोल रहे हैं कि नहीं मुझे 36,000 मंथली नहीं चलेगा, तो मैंने आपके लिए 3,60,000 मंथली निकाला है। तो क्या मनीष जी महीने का 3,60,000 रुपए प्रीमियम चलेगा आपको? नहीं सर, इनका कहना कुछ और है। समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये कहना चाहते हैं उसकी इनकम ही 40,000 है, तो वो 36,000 कैसे बढ़ेगा? आप ये कहना चाहते हैं कि इनकम 40,000 है,
आप मरीज जी ऐसा बोलना चाहते हैं क्या? यस सर। बढ़िया, तो मरीज जी उसके लिए आपके लिए यहाँ पर एक शानदार बहुत ही बढ़िया चीज इसके अंदर बता रखा है, इसके अंदर बता रखा है कि ये डिपेंड करता है लाइफस्टाइल आप कौन सा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आपने 10 लाख रुपए का लाइफस्टाइल चूज किया है, यदि आपने चूज किया है बेयर एग्जिस्टेंस, तो इसके अंदर फिर यहाँ पर इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है परिवार सुरक्षा के लिए सिर्फ टर्म प्लान पर निर्भर ना करें, जीवन आनंद और टर्म प्लान का मिश्रण एक बेहतरीन योजना है। इसके अंदर बता रखा है जीवन आनंद यदि आप 10 लाख का लेंगे, टर्म इंश्योरेंस उसके अंदर मत जोड़िए, टोटल डिस्कवर उसके अंदर 10 लाख रहेगा, टोटल बेनिफिट आपको 30 लाख रहेगा। ये जीरो थोड़ा सा एक आध एक्स्ट्रा लग गया है, थोड़ा कम कर लीजिए। एनुअल प्रीमियम 43,000 आएगा, महीने का 3600 रुपए आएगा। क्या मनीष जी आपको 3600 रुपए महीना चलेगा? इतना चल जाएगा सर। आपको चलेगा तो ठीक है, 3600 रुपए महीना दे दीजिए। हाँ, मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं या कैश देंगे या चेक देंगे? इसमें सर बहुत लोग हाँ कर देते हैं, उसके बाद फिर बाद में हाँ जी देखेंगे, अभी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। यस सर। आप यदि अपने आप को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर मजबूत कर पाएंगे तो आपका ये बढ़िया चीज चल सकता है, बहुत ही शानदार तरीके से चल सकता है। आपको अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर मजबूती लानी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो मजबूती लाएंगे, लेकिन उनके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? किसके लिए पैसा लाएंगे? पैसे तो उनको अपने खुद ही वो करना पड़ेगा। किसके लिए? बंदोबस्त जो कस्टमर है। कस्टमर के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब पैसा तो उसी को इंतजाम करना पड़ेगा। समझ नहीं आया मुझे, क्या इंतजाम करना पड़ेगा? एक ने रख दिया उंगली 1 करोड़ पे रख दिया। हाँ। उसके बाद कहना जी अभी तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, नहीं है। ठीक है जी। और जो 1 करोड़ के लिए तैयार था मना ही कर दिया फिर। आपकी बात ठीक है मनीष जी, हमारा देखो ये पॉलिसी बेचने का एक तरीका है, आपके पास और ढेर सारे तरीके हैं, ये भी एक तरीका है। इस तरीके से बड़ी बड़ी पॉलिसियां आसानी से बिक सकती हैं, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर हमें थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया तरीका है, तो यहाँ पर शायद हो सकता है आपको सेलिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा तरीके बदलने की जरूरत पड़ सकती है, थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है या तो फैमिली के साथ हो, सबसे बेस्ट तरीका तब है या तो फैमिली के साथ हो। क्या करेंगे? फैमिली के सामने, फैमिली के सामने, हां तो ठीक बात है, फैमिली के सामने बताइए। और दूसरा तरीका है, हां ठीक बात है, फैमिली के सामने बताइए। हां, और दूसरा तरीका है ठीक ठाक पैसे वाला होना चाहिए। ठीक है मनीष जी, जहां भी बताएं, लेकिन ये भी एक तरीका है, ये भी पॉलिसी बेचने का एक तरीका है, और यहां पर आपको बिना इंश्योरेंस की बात किए आप इंश्योरेंस यहाँ पर बेच पाते हैं। आप देखो ना, पुराने तरीकों से आप कोशिश कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, और कब तक करेंगे पता नहीं। आप जब तक भी पुराने तरीकों से आपको कोशिश करना है वो सब आप करते रहिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आप पुराने तरीकों से कोशिश मत करिए, लेकिन ये भी एक तरीका है, ये भी एक शानदार तरीका है, ये भी एक बढ़िया तरीका है, इस तरीके से भी आप सेल कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका इस तरीके से भी पॉलिसी आपका बिक सकता है। तो क्या ये वाला तरीके को हमें कोशिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर, करना चाहिए सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये वाला ले लीजिए प्रेजेंटेशन, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और एक तरीका मैंने बताया किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आप अपना व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर सर्च करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको लाइव प्रेजेंटेशन का इसमें मिस्टर राजेश टैगोर वाला जो है वीडियो ऑलरेडी भेजा हुआ है, आप वहां पर चाहिए, इंग्लिश वाला भी मैंने आपको वीडियो भेजा हुआ है, हिंदी वाला भी भेजा हुआ है, तो आप वहां पर चाहें तो वहां पर भी इसको देख सकते हैं और वहां पर भी इसको कर सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल उधर से कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो वहां से कर सकते हैं। बताइए, इसकी प्रेजेंटेशन भेजना है? इसकी प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी भेजी हुई है। हरिराम जी, वही बात मैंने आपको बताई कि व्हाट्सएप का वीडियो या तो ओपन करिए या तो टेलीग्राम का वीडियो, आप व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम का ग्रुप अपनी टीम का ओपन करिए, उसके अंदर आप सर्च दबाइए, सर्च में आप लिखिए लाइफस्टाइल, आप लाइफस्टाइल लिखेंगे सर्च हो जाएगा, वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। मिस्टर राजेश टैगोर जो है जिन्होंने ये वाला जो बुक डिजाइन किया है, प्रेजेंटेशन डिजाइन किया है, तो वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन वहां पर मिल जाएगा आपको। मैंने तो इसको जो हम लोग यहाँ पर 5-6 लोग 7 लोग जितने भी थे उनको और अच्छे तरीके से इसके बारे में बात करने की कोशिश करी है, बल्कि आपको तो मैंने मेरे ख्याल से आमने सामने टेबल पे बैठ के दिखाया भी है। यदि आपको बड़ी पॉलिसी बेचनी है तो कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो पुराने तरीकों से पुराने साइज की पॉलिसियां बिकती रहेंगी और पुराने ही रिजल्ट आते रहेंगे। तो आपका एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा? हमने बहुत सारी अलग अलग तरीके की बातें करी, बहुत ज्यादा लंबी हमने मीटिंग कर डाली, हमने
जो है काफी काफी लंबी मीटिंग कर डाली। सो आप जो यहाँ पर आए तो आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पर, आपको कुछ अच्छा पता लगा या नहीं लगा, या तो इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, आज ये बहुत बढ़िया क्लियर हुआ सर। दरअसल में जो अमीर आदमी होते हैं ना, उनको एकदम से हार्ट मत नहीं करना है कि आप भिखारी हो जाओगे या गरीब हो जाओगे। एक चीज ये अंतर समझ में आया, उनको तो बस वही दो तीन पॉइंट पे ही बात करना है। अगर पैसे वाले आदमी है ऊपर वाले जी, क्या कैश वैल्यू आप छोड़ के जाएंगे जी। और अमूमन मतलब देखा गया, एक तो ये चीज है कि अभी ये समझ में आ रहा है कि ये बात नहीं करना, बड़े आदमियों के सामने ये नहीं कह देना अचानक कि आप बीमा नहीं लोगे तो भिखारी हो जाओगे, भिखारियों नहीं, 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 ऐसा नहीं। हो सकता कहीं हमारे कहने में ये गलत हो गया हो कि अगर आप बीमा लेंगे, बीमा उसमें मिक्स कर दिए हो और बोलते हैं कि अगर आप बीमा नहीं लेंगे तो भिखारी वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, तो इस टाइप से वर्ड ज्यादा हाई सोसाइटी बैठकर नहीं बोलना, हर्ट नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है। हो सकता है कि पैसे वाले बड़े हार्ट हो जाते हैं ना, अरे बीमा नहीं लेंगे सर हम क्या भिखारी वाली जिंदगी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आज आज तो से भी बड़ा अच्छा पता लग गया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राजेंद्र जी ने अच्छा मतलब ये क्रॉस क्वेश्चन करके मतलब किया, तो बहुत चालाकी से बात करना है उनको कि अच्छी चीजें बोलनी है, अच्छे माहौल को उनको बताना है जी। बढ़िया है सर, करना चाहिए। और केवल ये है कि दिखाइए आप उनको, लाइफ का दर्शन कराइए लोगों को, अच्छी बातें अच्छी तो लगती ही हैं जी। बहुत अच्छा रहा आज प्रोग्राम, आज मैं पहली बार इतना सीरियस होकर देखा, सही लग रहा है सर, अच्छा है। बढ़िया, आपके पास ये वाला किताब अवेलेबल है, ये प्रेजेंटेशन है आपके पास? हाँ मैं ले गया था सर, आप बुलाए थे ना एक बार। आप आज क्या ये वाला बुक जाके किसी को दिखा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जा रहे हैं आज। दो आपके घर से करिए शुरुआत में, भाभी जी को दिखाइए जरा, उनको भाभी जी को दिखा के प्रैक्टिस करिए। नहीं प्रैक्टिस करिए ना, प्रैक्टिस करने के लिए तो चल सकता है। हाँ हाँ ठीक बिल्कुल सर। हाँ तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस अच्छे से, एक बार दो बार तीन बार चार बार दस बार बीस बार पचास बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट पॉलिसी बेचने के लिए मत लीजिए, एलआईसी के लिए मत लीजिए, सिर्फ इसलिए लीजिए सर मेरे पास एक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन आया हुआ है, जिंदगी के छह तरीके के लाइफस्टाइल के बारे में उसमें बात किया हुआ है। अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल, अपनी जिंदगी जीने का तरीके को बढ़िया शानदार तरीके से हम कैसे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मुझे आपसे समय चाहिए, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो क्या मैं आपको मिल सकता हूँ उसके बारे में? ये वाला अपॉइंटमेंट आप उनसे ले लीजिए, ठीक है, पॉसिबल है? बढ़िया, बिल्कुल। आज आप कितने लोगों को दिखा सकते हैं, आज कितने लोगों को आप दिखा सकते हैं? सर दिखाते हैं दो तीन आदमियों, दो आदमी, ठीक है। सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके अपने आप को मजबूत करिए, उसके बाद आप दिखाना शुरू करिए और मुझे बताइएगा क्या रहा। और बाकी साथी बताएं, बाकी आप दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे? मनीष जी आज आप दिखाएंगे किसी को? हेलो, हाँ जी सर, आज दिखाएंगे किसी को? बिल्कुल सर, ठीक है, बढ़िया, दिखा के बात बताइए एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, आपका इसकी वजह से पॉलिसी बिक पा रहा है कि नहीं बिक पा रहा है, क्योंकि मेरा तो बिक पा रहा है, मैंने तो यहाँ बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया। यदि हमारा नहीं बिक रहा है ना, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं तो लोचा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हम कुछ ना कुछ तो गोल कर रहे हैं। उन्होंने करा रखा था पॉलिसी। अच्छा अच्छा बढ़िया, नमस्कार भाई सर, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। एलआईटी से मेरा भाई गुजरा था 2013 में। ओहो, अच्छा अच्छा भाई साहब, तो बीमा उसका था, 6 साल भरे हुए थे, बीमा मिला नहीं था मैंने, और एक मेरे चाचा गुजरे थे उनका भी नहीं मिला था, फिर मैंने भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मनीष कुमार जी बहुत बढ़िया एजेंट हैं, आपका जितना भी पैसा है सारा का सारा पैसा आपका दिलवा देंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जितना भी पैसा आपका इसमें मिलने वाला है, आप अपने कागज जमा कराइए। आपने कागज जमा कराए थे दोनों के? पॉलिसी हो गई थी खाली, बस तो उसकी रसीद रखी हुई है। नहीं नहीं, कागज आपने जमा कराए थे, आपने बताया कि जिस समय वो गुजरे थे तो उस समय पैसा नहीं मिला, तो वो पैसा जो नहीं मिला तो क्या आपने जो डेथ क्लेम के पेपर है वो जमा कराए थे? उनको दे दिए थे, वो कह रहे हमारे खो गए हैं, जिसको दिए जिसने किया था उनको दिया था, उनको कह रहे थे खो गए हैं। तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए, जब दफ्तर में कागज ही नहीं जमा हुए तो पैसा कैसे मिलेगा? आपने जिसको भी कागज दिए, और ये हुआ जैसे आपसे मैं बीमा कराऊंगा, आपको कागज आपका तो खो गए, अब आप मेरे को मिलो ना तो मैं क्या कर सकता हूँ?
कागज जो आपके दफ्तर में जमा होंगे तो पैसा तो तभी मिलेगा ना, जब आपके पेपर दफ्तर में जमा ही नहीं हुए तो पैसा कहाँ से मिलेगा सर? ये हुआ है उन्होंने सर मेरे साथ गद्दारी की है उन्होंने। किसने गद्दारी की है? जिन्होंने बीमा किया था, राम नारायण राठौर। उनको बात करिए आपका, जिन्होंने बीमा किया था आप एक बार उनसे बात करिए और पेपर आप जमा करवाइए। वो हमें दिखे भी नहीं 2013 से 8 साल हो गए। आप कागज यदि जमा कराएंगे तो आपको उसका पैसा मिल सकता है, लेकिन कागज यदि जमा नहीं कराएंगे तो पैसा नहीं मिल सकता। वो मिल जाते ना तो बीमा वो अपने घर से ही मुझे देते पैसे, वो दिखे ना मेरे को। आपको मिलेगा पैसा, आपको बिल्कुल मिलेगा। वैसे तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका है, 8 साल हो चुके हैं, 8 साल के अंदर आपको अभी तक कागज जमा करा देने चाहिए थे, लेकिन फिर भी यदि आप किसी एक व्यक्ति के सर मैंने अपने जो कागज थे उनको दे दिए थे, मेरे भाई का बीमा निकला, वो कागज लेके बता रहे खो गए हम पे, वो बीमा वाले हम पे खो गए। यदि दफ्तर में कागज जमा ही नहीं हुए नहीं तो आपने जिसको भी कागज दिए थे आप कागज दोबारा से एक बार जमा करा दीजिए। कागज यदि दफ्तर में पहुंचे ही नहीं तो पैसे कहाँ से देंगे आपको, ये बताइए ना। और मेरे पास कागज जब उनको सब कागज दे दिए, मेरा भाई की बीमा निकला, फिर उन्होंने वो उन्होंने कागज फाड़े हैं या किसी दे दिए, किसी को पता नहीं, बोला खो गए हैं। आप एक बात, आप दोबारा से कागज जमा करा दीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा। और आप मुझे बताइए कि मान लो आपको मोबाइल फोन का बिल भरना है, आपने मोबाइल फोन का बिल किसी आदमी को भरने को दिया और उसने कंपनी में जाके बिल नहीं भरा, तो क्या आपका मोबाइल फोन कंपनी उसका बिल भरा हुआ मान लेगी क्या? नहीं मानेगी। नहीं मानेगी तो इसी तरह से डेथ क्लेम का पैसा है, इंश्योरेंस के पैसे के लिए आपने कागज जिसको भी दिए जमा कराने के लिए, यदि उसने जमा नहीं कराया तो LIC आपको पैसा कहाँ से देगी? हाँ तो कागज आप जमा करा दीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा, आप पैसों की चिंता मत करिए। ठीक है? ठीक ठीक सर। ओके नमस्कार, बाय बाय। आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा। और इसका बिल्कुल हरिनाम जी आप भी किताब ले लीजिए और किताब लेके आप इसका सेलिंग चालू करिए, और मनीष जी आप भी इसका जो किताब का इस्तेमाल करिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। दोबारा से कल हम लोग मुलाकात करेंगे, कल का जो मीटिंग और ज्यादा पावरफुल रहेगा, इसके रिजल्ट आप बताइए क्या मेरे को रहे। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, गुड डे, गुड डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, नमस्कार।